धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बजट 2024-25 के अवसर पे मुझे बोलने का समय दिया। मैं दार्जिलिंग की जनता का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे दूसरी बार उनकी आवाज़ इस सदन में बनने का मौका दिया, और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री सीतारमन जी को कि बजट में हर पहलू को ध्यान में रख करके बजट तैयार किया गया, और बजट में खास करके युवाओं की बात की है, यूथ स्किलिंग की, एम्प्लॉयमेंट की और एग्रीकल्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट भी है, रूरल डेवलपमेंट भी है, इनोवेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। भारत युवा देश है और आज के हमारे युवा कल का भारत है, और युवाओं के रोजगार और स्किलिंग के लिए भारत सरकार 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 5 साल में 4,10,00,000 युवाओं को रोजगार देने का इसमें लक्ष्य रखा है, और भारत के टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी में उनको 1 साल का ट्रेनिंग भी मिलेगा और उसमें स्टाइफन के नाते 5,000 रुपये प्रति माह भी मिलेगा, और जिन युवाओं को पहली बार नौकरी मिलेगी उसको 15,000 रुपये तक भारत सरकार एक बार डायरेक्ट उसको 1 महीने की तनख्वाह देने का काम भी करेगी। इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन के लिए 10,00,000 रुपये तक का लोन भी मिलेगा, और जिसका करीब 3% करीब करीब 40% हो जाता है ब्याज का, 3% ब्याज जो है भारत सरकार भरेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है जिसके लिए 11,00,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये का आवंटन किया गया है, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए घर बनेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत 1 करोड़ घर बनेंगे, और जिसके लिए जो है 10,00,000 करोड़ का खर्च भारत सरकार करेगी। पीएम जनमन योजना के तहत 24,104 करोड़ रुपये का जनजाति विकास के लिए खर्च रखा गया है, और मैं बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, पहली बार चाय बगान की बात इस बजट में पेश हुई है, और नॉर्थ बंगाल और आसाम के चाय बगान में काम करने वाले श्रमिक जिसमें ज़्यादातर महिलाएं रहती, उनकी बच्चों की एडुकेशन और उनकी जो है देखरेख के लिए 1,000 करोड़ रुपए का जो है आवंटन बजट में हुआ है। मैं नॉर्थ बंगाल और आसाम की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। सर, मैं बात अभी बंगाल की करता हूँ। आज़ादी के समय बंगाल बेस्ट बंगाल था, जिसको आज टीएमसी ने सबसे वर्स्ट बंगाल बनाया है। कोई आप चिल्लाते रहो, आप मैं आंकड़े आता हूँ, मैं आंकड़े नहीं सर, चेयर आई टॉक ओनली ऑन बजट, बजट पे ही बोल रहा हूँ सर। और जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, आज टीएमसी पश्चिम बंगाल के साथ वही व्यवहार कर रही है। अनेक योजनाएं जिसमें मनरेगा हो, स्वच्छ भारत हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आवास योजना हो, आरआईडीएफ का फंड हो, मुफ्त राशन हो, बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट फंड हो, हर जगह घोटाला है। यहाँ तक कि शिक्षा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, और ओलंपिक चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज जो है करप्शन के ऊपर में ओलंपिक में कॉम्पिटिशन होता तो टीएमसी को गोल्ड मेडल मिलता। और ईज ऑफ डूइंग की हम बात करते हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग करप्शन में टीएमसी नंबर 1 है। पश्चिम बंगाल को 7,00,000 करोड़ का कर्जा, ये टीएमसी की देन है। 35 साल सीपीएम पश्चिम बंगाल में शासन में थी, 1,90,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो बढ़ के 7,00,000 करोड़ हो गया। मैंने टीएमसी से 1 रुपये नहीं लिया, मेरे ऊपर 70,000 रुपये का जो है कर्जा इन्होंने डाला है। और पश्चिम बंगाल की आप देखिए मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट से भी कम है, इनको शर्म आनी चाहिए। आज़ादी के समय पश्चिम बंगाल का मैन्युफैक्चरिंग 30% कंट्रीब्यूट करता था, जो आज 3% से कम रह गया है, ये भी इन्हीं की देन है। और ये कहते हैं कि केंद्र जो इनको पैसा नहीं देता, सर मैं डाटा के साथ कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा। अब मनरेगा के आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा सर, बड़ा मैजिक नंबर है।
आधार लिंक होने से पहले मनरेगा के 3,88,00,000 3.88 करोड़ आधार लिंक होने से पहले मनरेगा के कार्ड थे, और जैसे आधार लिंक हो गया ये रह गए 2.5 करोड़, यानी 1,35,00,000 फर्जी कार्ड बांग्लादेशी नागरिकों के बने थे। और इतना ही नहीं, 24 परगना जिले में 38,00,000 मनरेगा के कार्ड थे, आधार लिंक होते ही 15,00,000 विलुप्त हो गए। इसी तरह मुशीराबाद में 33,00,000 मनरेगा के कार्ड थे, जिसमें 13,00,000 आधार लिंक करते ही गायब हो गया। हकीकत यह है, चाहे चिट फंड घोटाला हो, टीचर घोटाला हो, पीडीएस घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, मनरेगा आवास योजना, हर घर जल, अमृत, गाय की तस्करी, सब में टीएमसी इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का पेंटिंग का भी घोटाला हो गया टीएमसी के शासन में। और मैं इनके एक नेता को सुन रहा था, उन्होंने नॉर्थ बंगाल की बात की, मैं वो भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सर, नॉर्थ बंगाल में 8 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी आबादी करीब करीब 3 करोड़ है। हम रिसोर्स के अंदर में भी रिच है, और सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है पश्चिम बंगाल को नॉर्थ बंगाल देती है। हमारे पास चाय है, ट्रेड है, हाइड्रो है, टूरिज्म है, और जंगल यानी फॉरेस्ट भी है। और उसके मतलब इतना कुछ होते हुए भी, हमारा कंट्रीब्यूट होते हुए भी, पश्चिम बंगाल का सालाना बजट है 3.88 लाख करोड़ रुपया, लेकिन नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को मिलता है 860 करोड़ रुपया। शायद दीदी को पता भी नहीं होगा, जो पूरे बजट का 0.002% है। हमारे चाय बगान बंद हो रहे हैं, हमारे सिंकोना बगान बंद हो चुके हैं। इन्होंने सिर्फ नॉर्थ बंगाल को ठगा है और हमको सिर्फ लूटा है। नॉर्थ बंगाल के लोग स्वाभिमानी हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। नमस्ते दीदी। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष लेके आया हूँ। बजट में 93,000 करोड़ रुपया सिर्फ पश्चिम बंगाल को मिल रहा है, जो महाराष्ट्र से ज़्यादा है। 1.5 लाख करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री, 50 साल तक आपको ब्याज नहीं देना है, ये पश्चिम बंगाल के लिए भी है। पूर्वोदय योजना, जिसके अंतर्गत कलकत्ता से लेकर के अमृतसर से लेकर के कलकत्ता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अर्बन हाउसिंग 1 करोड़ बनेगा, जिसमें कलकत्ता, दुर्गापुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी जैसे शहरों को इसका लाभ मिलेगा। 2 करोड़ आवास योजना बनेगी। इतना ही नहीं, रेलवे के लिए रेलवे की तरफ से 14,000 करोड़ रुपये आवंटन हुआ है, और ऑलरेडी 60,000 करोड़ के रेलवे के काम पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं। 100 नए अमृत स्टेशन बनेंगे, जिसमें सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी भी है। अब मैं तीस्टा फ्लड की बात करता हूँ। इनके एक नेता ने कहा था तीस्टा फ्लड में सिक्किम को पैसा मिला, पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। हकीकत ये है, जैसे ही फ्लड हुआ अक्टूबर 2023 को, सिक्किम ने इसको डिजास्टर घोषित किया, और SDRF NDRF का 10% पैसा जो है वहाँ की जनता को मिला, और पश्चिम बंगाल ने डिजास्टर घोषित नहीं किया। हमारी जनता को कुछ नहीं मिला। इस बजट में मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, 11,500 करोड़ का जो है आवंटन किया है, जिसमें बंगाल को 1,200 करोड़ रुपये मिलेगा। अब आपके माध्यम से मेरा बंगाल सरकार से निवेदन है, तीस्टा फ्लड पीड़ित को ये पैसा मिले। सर, मैं अपनी कुछ क्षेत्र के 2-3 बातें आपके समक्ष रखूंगा। दार्जिलिंग हिल, तराई, डुअर्स लंबे समय से एक स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग करती आई है। इसी कारण अतीत में कई आंदोलन हुए, 86-88 में जो आंदोलन हुआ उसके माध्यम से दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना। 2007-11 में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बना। जो सेमी ऑटोनोमस बॉडी थी उसको पश्चिम बंगाल ने चलने नहीं दिया, और हमारे क्षेत्र में आए दिन बहुत तेज़ी के साथ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हमारा बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बगल में चाइना भी लगता है, और वोट बैंक के कारण बांग्लादेशी और रोहिंग्यास आए दिन चाय बगान में अपना घर बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, हमारे मूल निवासी गोरखा, आदिवासी, कोच, मेचे, राभा, टोटो, राजवंशी, बंगाली भाषी, हिंदी भाषी समुदाय आज खतरे में है। इसलिए इस क्षेत्र का स्थायी समाधान, और वो भी भारत के संविधान के अंतर्गत हो, जिसमें टीएमसी का कोई हस्तक्षेप उसमें ना हो। इतना ही नहीं,
गोरखा समुदाय में 11 जनजातियां जो आजादी के समय 51 के सेंसस तक जो है ऑलरेडी ये हिल ट्राइब के नाते जाने जाती थी, जिसमें भुजेल, गुरुंग, मगर, नेवार, जोगी, खस, राइस, सुनवार, थामी, याखा यानी देवान और धीमाल, ये 31, 41, 51 के सेंसस में भी ये जनजाति थे। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, सर बस दो मिनट, इनको जनजाति का दर्ज जल्दी मिले। सर इसका एक बड़ा कारण भी है, मोर देन 10 मिनट्स यू हैव स्पोकन, एक मित्र देश है। 1950 इंडो नेपाल फ्रेंडशिप टीटी का जो धारा 7 है, जिसके लिए उस धारा के अंतर्गत जो भी भारतीय गोरखा है उसको नेपाली कहा जाता है, नेपाल के सिटीजन कहा जाता है। इससे हमको बहुत पीड़ा है, तकलीफ है। आए दिन हमारे जवान भारत माँ की सेवा करते हुए सरहद में बलिदान होते हैं, और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ ये जनजाति का दर्द, बस दो मिनट खत्म, जनजाति का दर्द जल्द से जल्द मिले, तीस्ता बाढ़ पीड़ित को उनका अधिकार मिले। आपने और सर बोलने का मौका दिया, सर मेरा खत्म नहीं हुआ, इलाहाबाद के धरती थे जहाँ थे पंडित नेहरू।